जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल 2024 में रविवार को डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा, जहां पे पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाएगा, तो वहीं शाम को दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का जो मुकाबला है, ये आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला है, जिसके लिए दोनों ही कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और यह मुकाबला कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा, वो भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और एमएस धोनी को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रविवार को आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है, जब आमने सामने आएंगे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें। एक तरफ होंगे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके सामने होंगे हार्दिक एंड कंपनी। ये हाई वोल्टेज मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आइए आपको इस मैच से पहले दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। संडे को आईपीएल इतिहास की दो सबसे सफल टीमों के बीच घमासान जंग होने वाली है। एमआई वर्सेस सीएसके को हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अभी तक आईपीएल इतिहास में कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान 20 मुकाबलों में मुंबई ने जीत हासिल करी है, तो वहीं पर 16 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस ग्राउंड की पिच पर बल्लेबाजों के लिए बहुत मदद है। दोस्तों, यहां पर गेंद बल्ले पर बहुत जोरदार आती है और बहुत लंबे लंबे शॉट यहां पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह छोटी बाउंड्री होने के चलते बल्लेबाज काफी आसानी से यहां पे बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और खूब रन बटोरते हैं। वहीं पिच की बात करें तो इस ग्राउंड पर गेंद काफी अच्छे से आती है बल्ले पर और बैटर्स को शॉट खेलने में काफी आसानी हो जाती है। दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में इस मुकाबले में गेंदबाजों की काफी धुनाई होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमों में ऐसे ऐसे बल्लेबाज शामिल है जो कि गेंदबाजों की बहुत बुरी धुनाई कर सकते हैं। और वैसे भी वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा टोटल देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के साथ। मुंबई इंडियंस के ओपनिंग स्लॉट में ईशान किशन के साथ विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा को मौका मिल सकता है। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज मुंबई इंडियंस को हालांकि शुरुआत तो अच्छी दिलाई है, लेकिन उसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर एक मुकाबले को छोड़ दें तो आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा भी काफी आक्रामक नजर आए हैं और पिछले मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी धमाकेदार पारी खेली थी। तो वहीं दोस्तों, कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है। दोस्तों, हो सकता है सूर्य नंबर 3 की जगह नंबर 4 पर भी खेलते नजर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कम ओवर बचते हैं तो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और वैसे भी दोस्तों, सूर्य कुमार यादव विस्फोटक फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मुकाबले में काफी धमाकेदार पारी खेली थी। तो वहीं दोस्तों, मुंबई की टीम में चौथे नंबर पर डुवान ब्रेविस को मौका मिला है। दोस्तों, डुवान ब्रेविस की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में ठीक ठाक रही है, इसकी वजह से आईपीएल 2024 से वह बाहर नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, जहां तक लग रहा है सूर्या की तरफ से नवन धीर को ही बाहर बैठना पड़ सकता है। तो वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा को मौका मिला है। दोस्तों, तिलक वर्मा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं आईपीएल 2024 में, लेकिन दोस्तों एक मुकाबले में उन्होंने काफी धमाकेदार पारी खेली थी, इसी को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने उन्हें पांचवें स्थान पर मौका दिया है। तो वहीं दोस्तों, अगर बात करें छठवें स्थान की, तो यहाँ पे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या हमें खेलते नजर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आईपीएल 2024 में कप्तान हार्दिक पांड्या बल्ले से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या थोड़ा नीचे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से अगर बात करें सातवें पायदान की, तो दोस्तों यहां पर मौका मिला है डेविड को। दोस्तों, टीम डेविड एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है और वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने काफी धमाकेदार पारियां खेली थी और पिछले आईपीएल में भी डेविड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, इसी को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने सातवें नंबर पर उन्हें मौका दे दिया है। तो वहीं दोस्तों, अगर आठवें पायदान की बात करें तो पीयूष चावला को मौका मिला है। दोस्तों, हालांकि पीयूष चावला आईपीएल 2024 में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन आईपीएल 2023 में पीयूष चावला ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, इसी को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या उन्हें बाहर नहीं रख सकते। तो वहीं दोस्तों, मुंबई की टीम में नौवें नंबर पर मौका मिला है दोस्तों ग्रेडलेट कॉटजी को। दोस्तों, आईपीएल 2024 में ग्रेडलेट कॉटजी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, इस वजह से आईपीएल 2024 में एमआई की टीम से वह बाहर नहीं बैठेंगे और नौवें नंबर पर कंटिन्यू वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों, दसवें नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस काफी ब्रिलियंट रहा है आईपीएल 2024 में और इसी की वजह से दसवें नंबर पर कंटिन्यू खेलते नजर आएंगे हमें जसप्रीत बुमराह।
दोस्तों जसप्रीत बुमराह शुरुआती ओवर में विकेट निकाल लेते हैं। तो वहीं दोस्तों 11वें पायदान पर मौका मिला है आकाश मधवाल को। दोस्तों आकाश मधवाल का आईपीएल 2023 काफी अच्छा रहा था, इसी की वजह से शुरुआती एक मैच में आकाश मधवाल नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे मैच में ही आकाश मधवाल को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया था।